नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। आपकी सरकार आपके द्वार के अंतर्गत हट्टा में लगाया गया शिविर। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, जनता की समस्याओं का हल निकालना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बहुत दिनों से हट्टा में आपकी सरकार आपके द्वार योजना के अंतर्गत शिविर लगाने का कार्यक्रम बन रहा था और यह शिविर आज आयोजित किया गया है। शासन की सभी योजनाएं आमजन के कल्याण एवं भलाई के लिए होती हैं। योजनाओं का लाभ लेने के लिए आमजन को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की ज़रूरत है। जागरूक समाज की शासन की योजना का लाभ लेकर तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे ने कहा कि आज के समय में युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए आगे आना चाहिए और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों पर आधारित उद्यम लगाना चाहिए। शिविर में सभी विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे। शिविर में आयुष विभाग द्वारा 200 से अधिक मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवाएं दी गईं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल पर 100 से अधिक मरीजों का एलोपैथिक पद्धति से उपचार कर दवाएँ दी गईं। शिविर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रशासक उदय सिंह नागपुरी, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह लांजी, SDM अंशुल गुप्ता, सचिव मुकेश जोशी, नवीन चौधरी, विकास हजारी, ग्राम पंचायत हट्टा के सरपंच डिलन पिछोड़े, सभी विभागों के अधिकारी एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। देखिए, विशेष भर्ती पहले बैगाव के लिए हुआ करती थी, जो अभी बंद हो गई है। इस संबंध में अभी कमलनाथ जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसको वापस से हम चालू करवाएंगे। और नक्सल की आप जहाँ बात कर रहे हैं, हमने उनसे निवेदन किया है हमारे मुख्यमंत्री जी से कि जब भी भर्तियाँ हो, आरक्षकों की भर्ती हो, तो बालाघाट के लिए ये प्रतिबद्ध रहे कि उन भर्तियों में बालाघाट के ही युवाओं को अवसर मिले। पूरे प्रदेश स्तरीय उस भर्तियाँ ना हो, बालाघाट के लिए स्पेशली बालाघाट के युवाओं को ये अवसर मिले। और ये बात से लगभग आपने उद्बोधन में कहा कि सरकारी जो नौकरी होती है वो एक रोजगार का माध्यम है, लेकिन जो अन्य चीजों जो शिक्षा क्षेत्र में कमजोर है उनके लिए क्या प्रयास है? सभी के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। अगर आप सारी योजनाओं को एक साथ देखेंगे या जो युवा जो काम करना चाहता है वो उस दिशा में जो स्टॉल लगे हैं उनमें जाकर जानकारी देते हैं योजनाओं की, और उसके माध्यम से जब वो पत्राचार करते हैं उसके माध्यम से उनको लाभ मिलता है। कोई ज़रूरी तो नहीं कि सारा युवा योग्य हो और बहुत शिक्षित हो। सभी के लिए अलग अलग तरीके से योजनाएँ चल रही हैं। बहुत जगह ऐसी योजनाएँ हैं जो कि बिना पढ़े लिखे लोगों का भी काम चल रहा है, तो वो सब अलग अलग चल ही रहे हैं। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संवाददाता संजय अजीत की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।